हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका नरेंद्र सिंह सोमवंशी कौटिल अकेडमी भोपाल के मेधावी चैनल पर। आज हम एक ऐसे टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं जो चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, दोनों में एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक का नाम है भारत का स्थापत्य। अगर हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की दृष्टि से देखें तो हमारे प्रीलिम्स के यूनिट फर्स्ट में ही इसका जिक्र किया गया है। दूसरा पेपर फर्स्ट अगर मेंस का देखें उसमें यूनिट फोर में आपके स्थापत्य का जिक्र किया गया है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्थापत्य होता क्या है। जब कोई हम इमारत या कोई बिल्डिंग का निर्माण करते हैं तो उसके लिए एक बेस तैयार किया जाता है, एक ग्राउंड प्लान तैयार किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्थापत्य बोलते हैं। इंग्लिश में इसको आर्किटेक्ट बोलते हैं, आर्किटेक्चर बोलते हैं, ठीक है ना। स्थापत्य जब किसी बिल्डिंग का ग्राउंड प्लान तैयार किया जाए उसको हम क्या बोलते हैं, स्थापत्य बोलते हैं। अब अगर अध्ययन की दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय स्थापत्य को तीन भागों में हम बांट कर इसका अध्ययन कर सकते हैं। पहला है प्राचीन भारत का स्थापत्य, दूसरा है मध्य भारत का स्थापत्य और तीसरा है आधुनिक भारत का स्थापत्य। ठीक है, अब इन तीनों को भी हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक है लौकिक स्थापत्य, ठीक है ना, एक है लौकिक स्थापत्य, दूसरा है धार्मिक स्थापत्य। ठीक है ना, इनको भी हमने दो भागों में डिवाइड किया। पहला है लौकिक और दूसरा है धार्मिक स्थापत्य। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अध्ययन की दृष्टि से, सबसे पहले हम जो अध्ययन करते हैं वो है आपका प्राचीन भारत का स्थापत्य। सबसे पहले अध्ययन हम करते हैं प्राचीन भारत का स्थापत्य। इसको हमने दो भागों में डिवाइड किया है, एक है लौकिक स्थापत्य और दूसरा है धार्मिक स्थापत्य। लौकिक स्थापत्य जहां लोगों का निवास होता है उसको हम लौकिक स्थापत्य कहते हैं, जहां लोग रहते हों, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, लौकिक स्थापत्य बोलते हैं। जैसे भवन है, महल है, इस टाइप के स्थापत्य को हम क्या बोलते हैं, लौकिक स्थापत्य बोलते हैं। यहीं अगर हम देखें धार्मिक स्थापत्य की बात करें तो धार्मिक स्थापत्य जैसे देवालय होते हैं, मंदिर होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, धार्मिक स्थापत्य बोलते हैं। ओके, अब चूंकि प्राचीन भारत में सबसे ज्यादा पूछा जाता है धार्मिक स्थापत्य, तो धार्मिक स्थापत्य को भी हमने दो भागों में डिवाइड किया है। धार्मिक स्थापत्य को भी हमने दो भागों में डिवाइड किया है। पहला है ब्राह्मण स्थापत्य, दूसरा है श्रमण स्थापत्य। तो ब्राह्मण स्थापत्य जो है इसमें हमने डिवाइड किया है, जैसे हम इसमें आते हैं देवालय हैं, मंदिर हैं, ठीक है, इस तरीके के स्थापत्य हम क्या बोलते हैं, ब्राह्मण स्थापत्य बोलते हैं। मंदिर है, देवालय है, विधान है, इस तरीके के स्थापत्य को हम क्या बोलते हैं, ब्राह्मण स्थापत्य। श्रवण स्थापत्य जो है, श्रवण स्थापत्य में आते हैं आपके जैसे चैत्य है, बिहार है, ठीक है ना, स्तूप है, इस टाइप के स्थापत्य को हम बोलते हैं श्रवण स्थापत्य। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ब्राह्मण स्थापत्य को। ब्राह्मण स्थापत्य क्या होता है, एक्चुअल में
जब अगर बात करें आपके भारत में मूर्तियों का जो निर्माण शुरू हुआ या मूर्ति पूजा जो शुरू हुई वो आपकी तीसरी चौथी शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू हुई, ठीक है ना। कब से? तीसरी चौथी शताब्दी ईसा पूर्व से, ठीक है। अब जो तीसरी चौथी शताब्दी ईसा पूर्व की बात करते हैं, उस समय भी मूर्तियां बनाई जाने लगी थी, लेकिन उस समय के मंदिरों के साक्ष्य जो है वो हमें नहीं मिले थे, ठीक है। उस समय के मंदिरों के साक्ष्य क्यों नहीं मिले थे? क्योंकि मंदिर जो है उस समय या तो लकड़ी के बनाए जाते थे या कहीं भी पेड़ के नीचे इस टाइप से कोई मंदिर होता था, तो बहुत ज्यादा हमारे पास आर्किटेक्चर उसका स्थापत्य हमको उस समय का नहीं मिलता है। अगर हम देखें भारत में गुप्ताज पीरियड के आने के बाद, गुप्त काल के बाद से भारत में स्थापत्य को देखा जाने लगा भारत में, ठीक है ना। अगर सबसे पहले हम बात करें ब्राह्मण स्थापत्य का, जो एग्जाम्पल है वो है सांची का मंदिर संख्या नंबर 17, जो है स्थापत्य का सबसे पुराना साक्ष्य जो है वो मिलता है सांची के मंदिर नंबर संख्या 17 से, ठीक है। अब गुप्त काल की बात करें, अगर गुप्त काल में यहाँ पर इसके कई सारे और भी एग्जाम्पल, चूंकि स्थापत्य का, प्राचीन स्थापत्य का सबसे ज्यादा एग्जाम्पल जो है वो उत्तर भारत में ही मिलता है, ठीक है ना। तो जैसे हम देखें नचना कोठार का मंदिर है, नचना कोठार का पार्वती मंदिर है, ठीक है। आपका तिगबा का, जबलपुर का तिगबा मंदिर है, ठीक है। भूमरा का मंदिर है, ठीक है ना, भूमरा का शिव मंदिर है। इस तरीके के एग्जाम्पल जो हैं वो आपको उत्तर भारत में देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद छत्तीसगढ़ का लक्ष्मण मंदिर है, ठीक है। इसके बाद आपको उत्तर प्रदेश का देवगढ़ का मंदिर है, ठीक है। इस तरीके के एग्जाम्पल आपको कई सारे मिल जाएंगे जो कि उत्तर भारत के जो है ब्राह्मण स्थापत्य के एग्जाम्पल है, ठीक है। इस समय का जो स्थापत्य होता था वो किस तरीके का होता था? अगर इस समय के स्थापत्य की बात करें तो किस तरीके का होता था? इसमें पहले सबसे नीचे जो बनाया जाता था वो अधिष्ठान बनाया जाता था। जैसे हम चबूतरा बोलते हैं आज की भाषा में, क्या बोलते हैं? चबूतरा। इसको पहले बोला जाता था अधिष्ठान। तो सबसे नीचे क्या बनाया गया? अधिष्ठान बनाया जाता था, ठीक है ना। इसके ऊपर सिंपल चौकोर या आपके आयताकार एक आकृति होती थी जिसको हम बोलते थे देवालय, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते थे? देवालय। इसी में बाहर की साइड पिलर बनाए जाते थे और उन पिलरों पर एक बरामदा बनाया जाता था जिससे होकर व्यक्ति देवालय में, जहां पर गर्भगृह होता था, ठीक है, देवालय में जो है भगवान को स्थापित किया जाता था, ठीक है, वहां जाने का वो रास्ता होता था, ठीक है ना। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका जो अभी मैंने बताया कि भूमरा का मंदिर है, तिगबा का मंदिर है, सांची का मंदिर नंबर 17 है। जब कभी भी आप सांची विजिट करने जाएं तो इसको जरूर देखकर आपको समझ में आ जाएगा। एक खास बात होती थी इस समय के स्थापत्य में, प्राचीन स्थापत्य की अगर हम बात करें, इसमें जो शिखर नहीं होता था, इसमें क्या नहीं होता था? शिखर जो है इस समय के मंदिरों में नहीं होता था, ठीक है। अब चूंकि मैंने जैसे बताया जम्मू कश्मीर से लेकर आपके मध्य भारत तक जो है सबसे ज्यादा विकास हुआ प्राचीन स्थापत्य का, ठीक है ना। बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। इसको हमने, अगर हम डिवाइड करें कि जो प्राचीन स्थापत्य है पांचवी छठवीं शताब्दी से लेके 14वीं-15वीं शताब्दी तक ये रहा, ठीक है। अब इसमें आपको हमने अगर स्थापत्य की दृष्टि से देखा जाए तो तीन शैलियों में हमने भारत के जो ब्राह्मण स्थापत्य है इसको हमने डिवाइड किया है। कौन कौन सी? जैसे कि जो कि उत्तर भारत की शैली है, जो उड़ीसा से लेकर गुजरात और जम्मू कश्मीर तक फैली हुई है, उत्तर भारत की स्थापत्य शैली जो है उसको हम बोलते हैं नागर शैली। उसको हम क्या बोलते हैं?
नागर शैली, ठीक है। दूसरा दक्षिण भारत की, उसको बोलते हैं हम द्रविड़ शैली। उसको हम क्या बोलते हैं? द्रविड़ शैली। अब यहीं अगर अपन देखें एक और, जो जिसमें इन दोनों शैलियों की विशेषताएं मिलती हैं, जिसमें नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों की विशेषताएं मिलती हैं, वो है आपकी बेसर शैली। वेसर या वेसर, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उत्तर भारत की नागर शैली, ठीक है ना। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो आपको जो मिलेगा वो नागर शैली का मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, सो कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।